हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ अरुण, आपका ऑनलाइन सिस्को ट्रेनर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि काफ़ी दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। दरअसल पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहा, मैं बहुत ज़्यादा बिजी था अपने ट्रेनिंग बैचेज में, तो इस वजह से वीडियो के लिए समय निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। और बहुत कोशिश भी की मैंने कि वीडियो बनाऊँ, लेकिन वो समय ना मिल पाने की वजह से वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अभी एक बैच फिनिश हुआ तो मैंने यूएसपीएफ की वीडियो सारी बना दी है, सारी वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया है, बस एडिटिंग होगी इनकी और ये डेली बेसिस पर आपको अपलोड होती चली जाएगी। तो ओएसपीएफ अब डिसकंटिन्यू नहीं होगा, मैंने इसकी ऑलरेडी सारा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है, क्योंकि मेरा कल एक बैच फिनिश हुआ था तो फिर मुझे टाइम मिला और फिर मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। मीन्स ओएसपीएफ सीरीज मैंने कंप्लीट रिकॉर्ड कर दी है और बस वो टाइमली उसको एडिट करते जाएंगे और वो डेली बाय डेली आपको मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की वीडियो अपनी, जो मैंने लास्ट छोड़ा था। लास्ट मैंने आपको ये बताया था कि हेलो मैसेज के थ्रू नेबर को डिस्कवर करता है ओएसपीएफ, और आज जो मैं बता रहा हूँ वो ओएसपीएफ की नेबर स्टेट्स हैं। बेसिकली इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ओएसपीएफ के बारे में जो मोस्ट आस्केबल क्वेश्चन है वो ओएसपीएफ नेबर स्टेट्स के बारे में आता है। एक्चुअली ओएसपीएफ एक बहुत अलग तरीका का प्रोटोकॉल है, और ये अपने नेबर को जितना, जब आप राउट एक्सचेंज मतलब नेबर की डिस्कवरी से लेकर राउट एक्सचेंज तक की जितने भी इंफॉर्मेशनल स्टेप्स हैं उनको ओएसपीएफ के जो डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने उसको स्टेप बाय स्टेप डिफाइन किया हुआ है। तो जैसे वो स्टेट्स कैसी हैं, जैसे आप यहाँ देखिए नेबर की स्टेट्स हैं, इनमें आता है वो आपका डाउन। सबसे पहले डाउन स्टेट से स्टार्ट होता है, मींस नेबर जो होते हैं वो डाउन स्टेट में होते हैं। उसके बाद आइनिट स्टेट आती है, फिर टू वे स्टेट आती है, फिर एक्सटार्ट स्टेट आती है, फिर एक्सचेंज आती है, फिर लोडिंग आती है, और उसके बाद आती है फुल। अगर आपका जो नेबर है वो आपको फुल में उसकी स्टेट जब देखते हो, वो मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से देखी जाएगी। जब आप कमांड्स के थ्रू अपने नेबर को वेरीफाई करते हो और उस नेबर की जो नेबर स्टेट है अगर वो फुल नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये स्टेबल स्टेट है और आपका ओ एस पी एफ कम्प्लीटली वर्क कर चुका है, एस पी एफ रन हो चुकी है और ओ एस पी एफ से आप राउटिंग को परफॉर्म कर पा रहे हो। इससे पहले अगर इनमें से कोई भी स्टेट आपको दिखती है तो इसका मतलब क्या है कि अभी नेबरशिप पर काम हो रहा है और अभी राउटिंग इन्फॉर्मेशन जो है कम्प्लीट एक्सचेंज नहीं हो पाई है, डेटाबेस बिल्ड नहीं हो पाए हैं, और अभी आपका जो राउटर है ओ एस पी एफ का जो राउटर है वो अभी राउटिंग को परफॉर्म नहीं कर सकता। मीन्स जब तक आप फुल नहीं हो जाते, जबकि आपका नेबर फुल नहीं हो जाता, फुल स्टेट में नहीं आ जाता, तब तक आप ये समझ लीजिए अभी ओ एस पी एफ कन्वर्जेंस के अंदर ही है और ओ एस पी एफ अपने जो पैकेट्स हैं उनको एक दूसरे से एक्सचेंज कर रही है, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रही है, और आफ्टर एक्सचेंज नेबर फुल स्टेट में आ जाता है। और फुल का मतलब क्या है, ओ एस पी एफ की जो कन्वर्जेंस है नेबर, या कह लीजिए नेबर्स की जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना है या नेबर से इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है, सारी इन्फॉर्मेशन सारे जो डेटाबेसेस हैं ओ एस पी एफ को उनको बना लेना है, बनाने के बाद एस पी एफ चल जाना है, और जो शॉर्टेस्ट पाथ सिलेक्शन है मीन्स हर डेस्टिनेशन के लिए राउट सेलेक्ट कर लिए गए हैं, बेस्ट पाथ सेलेक्ट कर लिए गए हैं और उन्हें राउटिंग टेबल प्लेस कर दिया गया है, तो वो स्टेट आपकी फुल से पता लगती है। तो फुल का मतलब सब कुछ ठीक हो गया है और अब आपका यूजर ट्रैफिक वाया ओ एस पी एफ आपके राउटर के नेटवर्क्स को पर चल सकता है और एक दूसरे की डेस्टिनेशन और सोर्स के ऊपर रीचेबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो ये स्टेट्स क्या हैं मैं आपको अभी बताता हूँ ये बेसिकली क्या है। एक्चुअली आप यहाँ देख लीजिए, इन दो राउटर्स के थ्रू मैं आपको बताऊँगा ये किस तरीके से आता है। यहाँ पर आर वन और आर टू है, वही पुराने वाला डिज़ाइन है, इन दोनों के बीच में 10 का नेटवर्क मैंने यहाँ पर डाला है, तो इसके 0/0/10.1, इसके 0/0/10.2, यहाँ पर एक लूप बैक बना दिया है एज ए, और एक लूप बैक यहाँ बना दिया है 2.2.2। ओ एस पी एफ की प्रोसेस आई डी 100 है और एरिया 0 है। आपने क्या किया, आप गए राउटर 1 पर, आपने इसको कॉन्फ़िगर किया, ठीक है, आप गए राउटर ओ एस पी एफ 100 नेटवर्क 10.0 और नेटवर्क 1.0 डाल दिया। सेम आर टू पर गए और आपने आर टू के लिए जो रिक्वायर्ड कमांड थी नेटवर्क 10.0 और नेटवर्क 2.0 डाल दिया है। इसके बाद क्या होगा, ये अब इसमें नेबर की बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो नेबरशिप की जो स्टार्टिंग है वो कैसे होती है, उसमें अब जब नेबर आप एक दूसरे से कहे, जैसे आप ये कमांड लगाओगे इस राउटर पे ओ एस पी एफ का प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएगा और ओ एस पी एफ अपने काम करना शुरू कर देगी। और काम किस तरीके से करेगी, मीन्स सबसे पहले वो नेबर को डिस्कवर करेगी, नेबर डिस्कवर करने के बाद वो बायडायरेक्शनल विजिबिलिटी को चेक करेगी, और अगर ये बायडायरेक्शनल विजिबिलिटी कंफर्म हो जाती है तो फिर ये अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे। तो ये जो पूरा एक्सचेंज है इसको इन्फॉर्मेशन अपनी सारी से देनी है, इसे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इसे देनी है,
तो ये जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है इसके लिए इसमें 5 तरीके के पैकेट यूज करता है जो मैंने आपको बताए थे लास्ट टाइम। तो उसमें सबसे पहले आता है हेलो, ठीक है। तो हेलो से क्या होता है, सबसे पहले जो आप नेबर स्टार्ट करते हो, आप जब वो OSPF को स्टार्ट करोगे तो जो सबसे पहली स्टेट है डाउन है। अगर आपका आप जाते हो शो IP OSPF नेबर करते हो और नेबर अगर आपको डाउन स्टेट नज़र आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका नेबर पर OSPF वर्क नहीं कर पा रही है और नेबर से एडजेसेंसी आपकी बिल्कुल भी नहीं है। ये बेसिकली कब आता है कि आप किसी वजह से नेबर को रीस्टार्ट कर देते हो या नेबर किसी वजह से बंद हो जाता है, ठीक है। ऐसे केसेस में ये इस नेबर की जो स्टेट है वो डाउन में रहती है, यानी कि इस समय आप किसी भी तरीके के राउट इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज नहीं कर रहे हो। तो बेसिकली सबसे स्टार्टिंग की है, या कह लीजिए सबसे फर्स्ट स्टेट होती है जब नेबरशिप स्टार्ट होती है, तो डाउन से बाहर आता है नेबर इनट के अंदर। इनट स्टेट क्या है, ये मैंने लास्ट वीडियो में जो आपको जितना भी प्रोसीजर बताया था, वो जो बायडायरेक्शनल विजिबिलिटी है दो राउटर के बीच में, ये इधर हेलो भेजता है, हेलो भेजने के बाद ये यहाँ पर इसको क्या करता है, आइनिट स्टेट में डाल देता है। आइनिट स्टेट का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे की बायडायरेक्शनल विजिबिलिटी को देख रहे होते हैं। बायडायरेक्शनल विजिबिलिटी का मतलब क्या है, ये वाला राउटर को अपनी राउटर आईडी इधर से आने वाले हेलो में दिखनी चाहिए। ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये राउटर क्या करता है, ये भी हेलो एक्सचेंज करते हैं दोनों, और जब दोनों हेलो एक्सचेंज करते हैं तो जैसे मैंने आपको मैं हूँ और मैंने आपको एक अपना हेलो भेजा और आपसे हेलो को वेट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो मतलब मेरी क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि आप भी मुझे हेलो भेजोगे, और आप जो मुझे हेलो हेलो भेजोगे उसमें आपकी RID तो होगी ही होगी और साथ में आप मेरी RID भी भेजोगे। और ये जो RID है, जब तक मैं उस हेलो में अपनी RID को नहीं देख लेता तब तक मैं क्या कहता हूँ कि हम लोग अभी एडजेसेंसी में नहीं आए हैं, यानी एडजेसेंट नहीं हुए हैं। तो ये जो दोनों एडजेसेंसी के बिहेव हैं ये दोनों इन स्टेट्स के अंदर पाए जाते हैं। मीन्स जब बेसिकली आप पहला फर्स्ट हेलो भेजते हो और आप दूसरे से भी पहला हेलो रिसीव करते हो, तो पहले आइनेट स्टेट आती है आपकी, यानी कि आप आइनेट स्टेट में होते हो। उसके बाद जब हम लोग इनिशियल, या कह लीजिए नल अपडेट मान लीजिए, या इनिशियल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हैं बायडायरेक्शनल विजिबिलिटी के लिए, तो वो सारा काम कहाँ हो रहा होता है, वो टू वे स्टेट होती है। मीन्स आप डाउन से आते हो आइनेट के अंदर, आइनेट बेसिक स्टेट होती है सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद आप आ जाते हो टू वे में। टू वे का मतलब क्या, आइनेट के बाद आते हो टू वे का। टू वे में दो काम होते हैं, एक तो DRBDR का सिलेक्शन होता है, इसके लिए मैं अलग से आपको बताऊंगा आगे वाली वीडियो में, आपको पता लगेगा ये क्या है, ठीक है। तो टू वे में क्या होता है कि हम लोग बेसिकली एक दूसरे की बायडायरेक्शनल विजिबिलिटी को देखते हैं, और जब बायडायरेक्शनल विजिबिलिटी कन्फर्म हो जाती है तो उससे क्या होता है कि बायडायरेक्शनल विजिबिलिटी का मतलब ये दोनों राउटर आपस में ये कहते हैं कि हाँ हम दोनों एक दूसरे का जो एग्रीमेंट है, जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो मैच हो गए हैं, हमारे होल्ड टाइमर्स जितने भी हैं डेड इंटरवल मैच करते हैं, ऑथेंटिकेशन मैच करता है, एरिया मैच करता है, सबनेट मैच करता है, तो इससे हम दोनों अब एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर लेते हैं और हम लोग अब एडजेसेंट बन जाते हैं। तो एडजेसेंसी जो है वो टू वे स्टेट है। बेसिकली टू वे स्टेट एक स्टेबल स्टेट भी हो सकती है और ट्रांजिटरी स्टेट भी हो सकती है। बेसिकली ये जो स्टेट है इनमें से कुछ स्टेट ऐसी हैं जो स्टेबल हैं, मीन्स नेबर हमेशा डाउन रह सकता है, अगर आपने मैनुअल नेबर बनाया है उसको साथ आपने काम नहीं किया तो हमेशा डाउन में आपको नजर आएगा। इनिट ट्रांजिटरी स्टेट है। टू वे स्टेट स्टेबल हो सकती है अगर आप DRBDR सिलेक्शन के ऊपर बैठ बात कर रहे हो और आपने DRBDR इलेक्ट नहीं किया, जब तक DRBDR सिलेक्ट नहीं होंगे ये भी स्टेट भी क्या रहेगी, स्टेबल रह जाएगी, इससे आगे नहीं जा पाओगे। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो धीरे धीरे आपको पता लगेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको DRBDR सिलेक्शन बताऊंगा क्या चीज़ है, तो पहले बेसिकली ये समझ लेते हैं। तो ये जो एडजेसेंसी बिल्डिंग है, यानी कि जितना भी बायडायरेक्शनल विजिबिलिटी कन्फर्मेशन का जो टाइमिंग है, जो स्टेट्स है वो टू वे तक आ जाता है। तो तीन स्टेट हो गई आपके, डाउन, इनिट, टू वे। इस दोनों के बीच में एक और स्टेट आती है, पहले आती थी, अब तो उसकी जरूरत नहीं है, उसे हम कहते हैं अटेम्प्ट। अटेम्प्ट स्टेट बेसिकली क्या है, ये नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस एक तरीके का डिज़ाइन होता है, NBMA बोलते हैं, और फ्रेम रिले वगैरह जो है वो NBA के पार्ट है, ये टेक्नोलॉजी थी, लेयर टू टेक्नोलॉजी है फ्रेम रिले। इस पर अगर आप OSPF को लगाते हो तो ये नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस है, तो इसमें जो स्टेट है वो उसे अटेम्प्ट कहते हैं, नेट के बाद अटेम्प्ट स्टेट में आता है। अब ये बेसिकली नहीं है और फ्रेम रिले चला ही गया, अब यूज़ में नहीं आता, तो अटेम्प्ट स्टेट बेसिकली आपको डॉक्यूमेंट में नहीं मिलेगा। और अगर आप अलग से अटेम्प्ट वो पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्या होता है, तो मुझे मेल कर दीजिए, मैं हम आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। बाकी इसी पर चल जाते हैं जो करंटली अभी वर्किंग में है। इसके बाद क्या है, एक्स स्टार्ट स्टेट आती है। ये एक्स स्टार्ट स्टेट क्या है, देखिए यहाँ तक तो आपकी एडजेसेंसी कंप्लीट हो गई,
और दोनों राउटर आपस में कैपेबल हैं और उनके पैरामीटर मैच हो गए, और अब वो क्या कर सकते हैं, फर्दर डेटाबेस को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल स्टेट में क्या होता है, यहाँ होता है मास्टर स्लेव सिलेक्शन। मास्टर स्लेव सिलेक्शन होता है, ये क्या चीज है एक्चुअली, ओएसपीएफ है ना, एक हायरार्की पर चलता है। हायरार्किकल अभी डिजाइन पर समझ लीजिए, जितना भी आप ओएसपीएफ देखोगे यहाँ पर एक हायरार्की है, मींस क्या, यहाँ एक रूट है और उसके बाद है ब्रांचेस। रूट का मतलब ओएसपीएफ हर काम में, अपने हर बिहेव के अंदर आपको एक तरीके से कंट्रोलर के अकॉर्डिंग काम करता है। मींस ऐसा नहीं है कि कहीं से रेंडमली किधर से भी कोई चीज को इनिशिएट किया जा सकता है, कहीं से आंसर दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है। ओएसपीएफ के अंदर जो भी डिसीजन होगा, जो भी डेटाबेस एक्सचेंज होगा, उसमें कहीं ना कहीं एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होगा। जस्ट लाइक आप कह लीजिए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, तो देयर मस्ट बी अ सर्वर, वहाँ एक सर्वर होगा और फिर एक क्लाइंट होगा। सर्वर ऑलवेज इनिशिएट करेगा सारी रिक्वेस्ट को, कुछ भी एक्सचेंज करना होगा सर्वर ही उसको गाइड करेगा। तो अभी क्या करना है, बाई डायरेक्शन विजिबिलिटी तो हो गई इन दोनों राउटर में, अब क्या करना है, इन दोनों के पास जो अपने राउट्स हैं वो इसे इसे इधर देने हैं, इसे अपनी इन्फॉर्मेशन इधर देनी है। और इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी अब क्या है कि इन्फॉर्मेशन जो एक्सचेंज होगा उसे कौन राउटर स्टार्ट करेगा। तो इन दो राउटर अगर आप हैं, आप नेबर की आप बात कर रहे हो, तो इनमें से एक राउटर को क्या होना पड़ेगा, एक को मास्टर बनना पड़ेगा और एक को बनना पड़ेगा स्लेव। मास्टर राउटर क्या करता है, मास्टर राउटर बेसिकली जितना भी एक्सचेंज है उसको इनिशियलाइज करता है, उसको स्टार्ट करता है, और जो ओएसपीएफ की सीक्वेंसिंग है जिससे ये पता लगता है कि इन्फॉर्मेशन कितनी नई है कितनी पुरानी है। बेसिकली क्या होता है, हर पैकेट का एक सीक्वेंस नंबर दिया जाता है। जैसे मैंने पहला पैकेट बनाया उसका सीक्वेंस नंबर 1 दिया, दूसरा पैकेट बनाया उसको 2 दिया, तीसरा बनाया उसको 3 दिया, मैंने आपको पहला 1 भेज दिया, उसके बाद मैं उस वो दूसरे राउटर को क्या पता है, अगर आपको जैसे मैंने शुरुआत में एक इन्फॉर्मेशनल पैकेट बनाया उसको नंबर दिया 1, वो नंबर 1 आपको मिल गया, ठीक है, आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया और आपने लिख लिया कि सीक्वेंस नंबर 1 वाली इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन में चेंजेस हुए तो मैंने फिर से क्या किया, एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है मुझे, तो मैं सीक्वेंस नंबर को अपडेट कर दूंगा एक नंबर से, उसको कहूंगा 2 और आपको दूंगा 2। तो आप क्या देखोगे कि 2 का मतलब क्या है, इंक्रीमेंटल एक नंबर आया, जो मेरी ओल्ड इन्फॉर्मेशन थी उसका सीक्वेंस नंबर 1 था, अब जो मुझे करंट इन्फॉर्मेशन मिली है उसका नंबर 2 है। इसका मतलब मेरा जो सेंडर है उसने मेरे पास एक नई इन्फॉर्मेशन को फ्लड किया है, और इसका मतलब इंक्रीमेंटल सीक्वेंस है तो न्यू इन्फॉर्मेशन है। ऐसे ही 3 अगर कोई फिर से चेंज होता है तो मैं सीक्वेंस को अपग्रेड करूंगा और नंबर 3 आपको दूंगा, ठीक। लेकिन अगर दोबारा से अगर मेरे पास एनी हाउ किसी वजह से कोई मल्टी एक्सेस डिजाइन में फॉल्ट है, कोई टोपोलॉजी में लूप है, अगर मुझे दोबारा से 1 मिलता है तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 1 है, तो इससे पता लग जाता है कि ये पुरानी इन्फॉर्मेशन है। मीन्स आपके पास 2 चल रहा है और आपको फिर से 1 मिलता है, तो आप क्या देखोगे, ये क्या है, 2 से कम है, लेसर नंबर है, तो इसको मैं नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी 1 मेरे पास पहले आ चुका होगा और 2 अपडेटेड है, तो ये किसी तरीके से एक रोग पैकेट है, कहीं से ट्रैवल राउटिंग में लूप होकर आगे हो आया, तो इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से सीक्वेंसिंग काम करती है, आगे आपको पता लगेगा बेसिकली सीक्वेंसिंग का रोल क्या है। तो ये जो सीक्वेंसिंग है ये एक ग्लोबल इंस्टेंस होती है, राउटर आपस में मेंटेन करते हैं, तो कौन सा राउटर सीक्वेंसिंग को स्टार्ट करेगा, कौन सा राउटर बताएगा, तो ये सारी चीज़ें कि सबसे पहले एक्सचेंज स्टार्ट करने हैं, तो इन दो में से एक ही राउटर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है। इसका काम होता है सीक्वेंसिंग को मेंटेन करना और जितना भी एक्सचेंज है उसको स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो ये मास्टर स्लेव सिलेक्शन होता है, इसके लिए एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बिट पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको देखा जाता है। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वीडियो में कवर नहीं कर सकते, और ओएसपीएफ जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल में तो खासकर ये बात है क्योंकि बहुत ही बड़ा प्रोटोकॉल है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में बनाना इतना पॉसिबल नहीं होता, फिर भी पूरी पूरी कोशिश रहती है आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ। तो कुछ बिट पैटर्न्स होते हैं, उनमें कहते हैं एमएस बिट है, ये मास्टर स्लेव बिट कहलाती है, तो इन बिट्स के अकॉर्डिंग ये सारे काम करते हैं आपस में। फिर एम बिट है, मोर बिट बोलते हैं इसको, तो ऐसी ऐसी बहुत सारी आई बिट हैं। तो ये बिट पैटर्न्स होते हैं जो राउटर्स आपस में एक्सचेंज करते हैं पैकेट्स के थ्रू, और इनसे काम हो जाता है। मोटे मोटे शब्दों में आप ये समझ लीजिए, मास्टर स्लेव का अगर सिलेक्शन होता है वो, तो वो स्टेट कहलाती है एक्स स्टार्ट, और जिस राउटर की राउटर आईडी सबसे बड़ी होती है, तो जो बिगेस्ट राउटर आईडी वाला राउटर होता है, ये दोनों क्या करते हैं आपस में एक दूसरे के राउटर आईडी को टैली कर लेते हैं। टैली करने के बाद क्या करते हैं, जिस राउटर की राउटर आईडी सबसे बड़ी होती है वो ऑटोमेटिकली मास्टर में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा स्लेव में रह जाता है। तो मास्टर राउटर जैसे ही आपका डिसाइड हो जाएगा बिगेस्ट राउटर आईडी वाला, वो क्या करेगा, वो अब इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना शुरू करेगा, उसे हम लोग कहते हैं डेटा बेस डिस्क्रिप्शन एक्सचेंज, और स्टेट बदल जाती है आपकी क्या, एक्सचेंज। मीन्स एक्सटार्ट में होता है मास्टर स्लेव सिलेक्शन,
मास्टर स्लेव सिलेक्शन के बाद क्या होता है, मास्टर राउटर आपका बन गया है। अब मास्टर के बनते ही स्टेट एक्सचेंज में कन्वर्ट हो जाती है, और एक्सचेंज का मतलब क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, आपस में अपने राउट्स को शेयर करेंगे। तो मास्टर स्लेव सिलेक्शन हो गया, इन दो राउटर्स में से मान लेते हैं ये राउटर आपका मास्टर बन गया और ये स्लेव बन गया। तो अब आप आओगे एक्सचेंज स्टेट में। एक्सचेंज में क्या होता है, ये जो राउटर्स हैं ये क्या एक्सचेंज करते हैं, ये करते हैं डीबीडी एक्सचेंज, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन एक पैकेट है ओएसबीएफ का। इसमें क्या होता है, ये जो राउटर है इसके डेटाबेस, इसका जो अपना लिंक स्टेट डेटाबेस है, इसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, एक्चुअली क्या है, ओएसबीएफ के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हो या रिकॉर्ड करते हो, तो वो बेसिकली एलएसए के फॉर्मेट में होती है। एलएसए क्या है, इसे बोलते हैं लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट। ये भी एक अलग वीडियो है, कंप्लीट वीडियो है, ये भी आपको पता लगेगी आगे। थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ मैं आपको इनके बारे में। लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट क्या है, आप ओएसपीएफ के अंदर जैसे आपने लिखा नेटवर्क 1.0.0, और ये आपका लोकल नेटवर्क है, आपके आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसके बारे में इसे पता होगा, राउटर कहेगा कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, यानी कि ये मेरे से ही ओरिजिनेट होता है। तो इस इन्फॉर्मेशन को एक अलग से टैग किया होगा कि मेरा नेटवर्क है। एक नेटवर्क जो आपका किसी मतलब नेबर राउटर से आपको मिला है, वो आपका नहीं है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन अलग तरीके से मार्क की गई होगी। एक ऐसा हो सकता है एक्सटर्नल जो नॉन ओएसपीएफ राउट लेकिन फोर्सफुली ओएसपीएफ में इंजेक्ट किए गए या रिडिस्ट्रीब्यूट किए गए, तो उनको भी मार्क करके रखता है। मीन्स ओएसपीएफ क्या करता है, हर राउट का जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर एक स्पेशल मार्क लगाता है, और ये मार्क ही एलएसए है। मीन्स अलग अलग राउट्स अलग अलग प्रेफिक्स इन्फॉर्मेशन क्या है, वो एलएसए के फॉर्मेट में लिखी होती है, और ये इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एलएसए को एक्सचेंज करते हैं। एलएसए एक्सचेंज करने से पहले क्या है, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट चलते हैं। ये डेटाबेस डिस्क्रिप्शन क्या करता है, ये जितना भी, जैसे मैं अगर इस राउटर की बात करता हूँ, ये वाला राउटर जो है, तो उसका जो जितना भी लिंक स्टेट डेटाबेस होगा, एलएसडीबी होगा, एलएसडीबी का मतलब जितने भी इसके अंदर राउटिंग इन्फॉर्मेशंस के रिकॉर्ड्स होंगे वो यहाँ मेंटेन हुए होंगे, सबकी मेट्रिक होगी, सबके फ्लैग्स होंगे, कॉस्ट होगी, सब कुछ लिखा होगा यहाँ पर। तो डीबीडी में बेसिकली क्या होता है, मेरा ये जो एलएसडीबी है, जितने भी इसमें एलएसए हैं, केवल एलएसए के हेडर्स जितने भी हैं, जितने भी एलएसए हेडर हैं, हेडर का मतलब केवल ये लिखा होना कि ये राउट है 1.0.0.0, ये राउट है 11.0, ये राउट है 192.0, केवल उनके नाम, शुरुआत की बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन एलएसए हेडर के थ्रू यूज की जाती है, और डेटाबेस डिस्क्रिप्शन के थ्रू दूसरे राउटर को दी जाती है एक्सचेंज स्टेट। तो मैं डीबीडी में क्या करता हूँ, जितने भी मेरे डेटाबेस के एलएसए के हेडर्स हैं उनको इसके अंदर भर देता हूँ डीबीडी के अंदर, और वो स्लेव पर भेज देता हूँ। स्लेव क्या करता है, उन एलएसए हेडर डीबीडी को चेक करता है। डीबीडी को चेक क्या करता है, उसके अंदर जितने भी एलएसए हेडर आए हैं, एलएसए हेडर का मतलब हो गया कि मेरे पास इतने एलएसए, मेरे नेबर पे इतने एलएसए हैं, इनको मैं अपने लोकल डेटाबेस के साथ चेक करूंगा। और जब मैं लोकल डेटाबेस में चेक करूंगा, तो ये चेक करता हूँ कि कौन कौन से एलएसए मेरे पास ऑलरेडी स्टोर्ड हैं। तो ऑलरेडी स्टोर्ड क्या होंगे, जैसे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, ये आपके पास पहले से ही होगा। अगर मैं इस डिज़ाइन की बात करता हूँ, तो इन दोनों राउटर की अगर आप बात करो, तो इनका जो कॉमन नेटवर्क है 10.0, तो R2 के लिंक स्टेट डेटाबेस में 10.0 पहले से ही होगा, और इसके भी पहले से होगा। तो इधर से अगर डीबीडी आया, तो इसने क्या लिखा होगा कि एक एलएसए है 10.0 और एक एलएसए है 1.0.0, ये वाला। तो ये क्या करेगा, राउटर डीबीडी को चेक करेगा, ये देखेगा 10.0 आई हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट द 10.0 ऑलरेडी, तो पहले ही देख लेता है कि मेरी उसमें है, लेकिन 1.0 की इन्फॉर्मेशन मिसिंग है मेरे पास। तो R2 ने जब डीबीडी को चेक किया, उसने देखा एक एलएसए है, एक एलएसए हेडर जो 1.0.0 आया था, ये सब अलग अलग एलएसए इसमें जाते हैं, तो उसने देख लिया मिसिंग है। तो इसके लिए क्या करता है, इसके लिए रिक्वेस्ट करता है, और रिक्वेस्ट के लिए डालता है एलएसआर, इसे कहते हैं लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। इस लिंक स्टेट रिक्वेस्ट में क्या होती है, ये एक तरीके से सोर्स, या कह लीजिए सेंडर जो था, वो उसको ये कह रहा होता है कि भाई ये जो 1.0.0.0 है, इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं था, ये न्यू इन्फॉर्मेशन है, ये मिसिंग थी, तो आप क्या करो, अब आप इसकी फुल डिटेल मुझे भेजो। आप क्या भेजो मुझे, इसकी फुल डिटेल, मीन्स आई नीड द कंप्लीट कॉस्ट, कंप्लीट राउटिंग इन्फॉर्मेशन, ये क्या है क्या नहीं है, कितनी मेट्रिक है, सब चीज़ें मुझे चाहिए, तो आप इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन भेजो। मीन्स कहने का मतलब क्या है, डीवीडी में सारा डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन भेजा जाता है ओनली, इस डिस्क्रिप्शन को रिसीवर मैच करता है,
और डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कोई एलएसए या कह लीजिए किसी राउट की इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं होती, तो उसको पूछा जाता है एलएसआर मैसेजेस के थ्रू। तो एलएसआर चलते हैं, और जैसे ही आप एलएसआर को भेजते हो तो आपकी जो स्टेट है वो आप चले जाते हो लोडिंग के अंदर। आपकी स्टेट आ जाती है लोडिंग। लोडिंग का मतलब क्या हो गया, लोडिंग स्टेट में 3 पैकेट चलते हो, आप एलएसआर चलाते हो और एलएसयू और एलएसएसीके, मीन्स एलएसआर आप रिक्वेस्ट करते हो, रिक्वेस्ट का जवाब आता है लिंक स्टेट अपडेट से। इस अपडेट के अंदर क्या है, ये बड़ा पैकेट होता है, मीन्स आपने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट करने के बाद जो आपका जिसको जिससे आपने रिक्वेस्ट किया था वो राउटर उसको रिसीव करेगा, रिक्वेस्ट को चेक करने के बाद ये देखेगा, अच्छा ये नेबर 1.0 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, एक कंटेनर बनाऊंगा जिसे कहा जाएगा एलएसयू, उस एलएसयू के अंदर उस एलएसए की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भर दी जाएगी जो मेरे पास है, मेट्रिक वगैरह, कॉस्ट, जो भी चीज़ें हैं, फ्लैक्स वगैरह, जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट इसमें बना दिया जाएगा, और वो जो रिक्वेस्टर है जिसने मांगा है उसकी तरफ उसे भेज दिया जाएगा। और जब रिसीवर को, रिक्वेस्टर को वो एलएसयू मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, आंसर देगा उसका एलएसएसीके से, इस तरीके से। मीन्स मैं यहाँ से पहले डीबीडी मिला, जो मेरे पास मिसिंग थी इन्फॉर्मेशन उसे मैंने एलएसआर से क्या किया, मैंने एलएसआर डाला, एलएसआर से रिक्वेस्ट की कि भैया मुझे 1.0 की इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसको मिल गया, इसने देखा कि ये जो स्लेव राउटर है ये इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो मैं बनाता हूँ एलएसयू लिंक स्टेट अपडेट। इस अपडेट के अंदर क्या होता है, एलएसए को जो मांगा है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन को भर दिया जाता है, कंप्लीट एलएसए इधर भेज दिया जाता है, ये एलएसयू से मिलता है, तो ये एलएसयू को डाउनलोड कर लेता है अपने डेटाबेस में, पूरी इन्फॉर्मेशन को सेव कर लेता है, और फिर उसे एक्नॉलेज करता है कि यस आई हैव रिसीव्ड योर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, तो वो इन्फॉर्मेशन इसे मिल जाती है और आपकी जो कंप्लीट जो स्टेट है उसके बाद वो बदल जाती है फुल में। ठीक है, फुल का मतलब क्या है, जब तक राउटर्स लोडिंग में है, यानी कह लीजिए कि अभी अभी तो यहाँ पर आपको एक ही राउट नजर आ रहा है कि ये दो ही राउटर्स हैं, लेकिन अगर और एक ही राउट ये वाला है और ये वाला, हो सकता है मिलियंस ऑफ या कह लीजिए हंड्रेड्स ऑफ राउट्स हैं, और हंड्रेड्स ऑफ राउट को एक साथ तो एक्सचेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि साइज के भी अकॉर्डिंग बात होती है, तो हो सकता है कि इसको यहाँ पर 10 या 15 LSU भेजने पड़े, तो जब तक OSPF अपने डेटाबेस को एक्सचेंज कर रहा है, यानी कि लोडिंग के अंदर जब तक डेटाबेस एक्सचेंज हो रहे हैं तब तक स्टेट लोडिंग में रहेगी, और जब ये दोनों राउटर आपस में कंप्लीट डेटाबेस को एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी कि इस राउटर के पास भी अब कुछ नहीं बचा, ये भी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इधर दे चुका है और ये राउटर भी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका है और सारे LSA डाउनलोड हो गए हैं, तो अब उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट होने के बाद ये दूसरे को, एक दूसरे को ये बताते हैं उन्हीं LSAs के थ्रू, LSUs के थ्रू कि मेरी इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली आपको शेयर हो गई और आपकी मुझे मिल गई, तो ये भी एक दूसरे को बाई डायरेक्शनली कह लीजिए बताते हैं कि नाउ आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन लेफ्ट, मीन्स मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ और इसकी भी इसको मिल चुकी होती है, और जैसे ही ये कन्फर्मेशन आता है, कन्फर्मेशन भी बिट पैटर्न्स के थ्रू आता है, बिट्स आपस में एक्सचेंज करते हैं और ये बताते हैं कि हाँ मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, और जैसे ये दोनों कन्फर्म हो जाते हैं कि इन दोनों के पास कुछ नहीं है, स्टेट इमीडिएट बदल कर आपकी फुल में हो जाती है। फुल का मतलब नाउ एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, सब कुछ ठीक हो गया है और SPF इस पर रन हो जाती है, और SPF रन होते ही सारे राउट आपके राउटिंग टेबल में चले जाते हैं, तो बेस्ट पास सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि आपका डेटाबेस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ कंप्लीट बन जाता है, और उसे हम कहते हैं LSDB लिंक स्टेट डेटाबेस, और लिंक स्टेट डेटाबेस जैसे आप टोपोलॉजी टेबल भी कह सकते हो, तो टोपोलॉजी टेबल कंप्लीट हो जाती है और कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर SPF रन होती है, एस शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम चलाता है और फिर जो बेस्ट पाथ निकलता है उसको निकाल कर राउटिंग टेबल के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये जो स्टेट्स हैं आपकी ट्रांजिटरी और कुछ स्टेबल स्टेट चलती रहती हैं, और धीरे धीरे आपका राउटर ऑटोमेटिकली आप देखोगे जल्दी जल्दी शो आईपी OSPF नेबर, शो आईपी जैसे ही आप कमांड लगाते हो, ये इसके बाद आप एक कमांड लगाना शो आईपी OSPF नेबर, और आपको पता लगेगा आपका नेबर जो है स्टेट बदलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, जैसे ही आएगा वो डाउन से इनिट टू वे स्टार्ट एक्सचेंज लोडिंग और फुल, और जैसे फुल होगा आप देखोगे आपके राउटिंग टेबल में राउट आ चुके होंगे, तो उस तरीके से नेबर टेबल बन जाती है, नेबर स्टेट्स कहते हैं, या आप कह लीजिए कई जगह पर इन्हें एडजेसेंसी स्टेट भी कहते हैं।
दोनों चीजें एक ही हैं, और बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ओएसपीएफ की नेबर स्टेट बताइए, इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आप कम से कम पूरा एक्सप्लेन ना कर पाए तो कम से कम आप ये देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ये टू वे स्टेट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे मेल कीजिए या आप मेरी वेबसाइट को सर्च कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।